क्यों होता है इसको बताते हैं सबसे पहला पॉइंट देखें इफ द सेकेंडरी सर्किट इज ओपन द आउटपुट पावर इज यूज जीरो आउटपुट पावर ही नहीं हो तो तो पावर क्लियर हो गई अब दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट में कहता है कि अगर उसको क्लोज कर देंगे तो हमारे पास करंट क्यों इंक्रीज होगा वेन द सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज द आउटपुट पावर इंक्रीज कि हमारे पास जो आउटपुट पावर है वो इंक्रीज हो रही होगी टू द इनपुट पावर इक्वल टू द आउटपुट पावर द करंट ड्राउन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द एसी मेन आल्सो इंक्रीजेस कि अगर हमारे पास इनपुट और आउटपुट पावर को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही होगी या उसके इक्वल भी आने की कोशिश की जा रही होगी तो हमारे पास कोई एक ना एक चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज हो रही होगी विच मीन्स कि हमारे पास पावर इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और पावर कब इंक्रीज होती है जब हमारे पास करंट इंक्रीज़ होता है तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है आई होप आपको एक्सरसाइज के तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन समझ आए होंगे अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही सी इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं